खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने नमस्कार जानाची। जहां मुद्दा होना चाहिए गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से हुए 2,500 करोड़ के शारदा चिटफंड घोटाले का पैसा जनता को वापस क्यों नहीं मिलता, वहां पर क्यों धरने की राजनीति वाला चुनावी स्टंट मुद्दा बना हुआ है। सवाल है, क्या संविधान बचाओ की आड़ लेकर जनता को गुमराह करने वाली राजनीति हावी हो रही है? यहाँ देख के आप लोगों ने कंपनी में पैसा दिया था। जहाँ मुद्दा होना चाहिए घोटाले में लुटी आम जनता के पैसे की लड़ाई लड़ी जाए, वहाँ पर क्या जनता को भुलाकर भारत बचाओ का डंडा झंडा गाड़कर सिर्फ वोट लूटने का सत्याग्रह हो रहा है? एंड गेम है मोदी और अमित शाह का बीजेपी गवर्नमेंट, यहाँ 2-3 महीना में हटाना है। सवाल है, ममता बनर्जी को क्यों घोटाले में लुटे माटी के मानुषों की याद नहीं आई? राहुल गांधी चुनावी रैलियों में शारदा घोटाले को लेकर ममता बनर्जी को घेरते रहे हैं। यहाँ की जो सरकार है, ममता जी की सरकार है, जो अपने आप को गरीबों की सरकार कहलाती है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई एक्शन नहीं ले रही, उन लोगों को बचा रही। जनता के पैसे की लूट पर जब सीबीआई कार्रवाई करती है तो धरना देने वाली ममता बनर्जी के समर्थन की बात राहुल गांधी अब क्यों करते हैं? राहुल जी, राहुल जी, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मैंने कल भैया बता दिया, ट्वीट कर दिया। राहुल जी, राहुल जी, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मैंने कल भैया बता दिया, ट्वीट कर दिया। सवाल ये है, क्या मोदी विरोध में वोटर को भ्रम में डालने की सिर्फ राजनीति हो रही है? सोनिया गांधी पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में शारदा घोटाले पर ममता बनर्जी को घेरती थीं। अपने को दीदी कहती है बंगाल में गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाले चिटफंड कंपनियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की है? लेकिन जब सीबीआई शारदा घोटाले में कमिश्नर पर कार्रवाई करती है तो क्यों कांग्रेस के सांसद संसद में ममता बनर्जी का बचाव करते हैं? ये सरकार सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है और अपोजिशन पार्टियों को खत्म करके एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है, आम आदमी के पैसे की चिंता छोड़ क्यों सिर्फ चुनाव की चिंता हो रही है? 22 दलों के नेता ममता बनर्जी को फोन करते हैं लेकिन कोई नहीं पूछता, दीदी घोटाले में लुटे मानुषों का पैसा दिलाने की भी बात कर लो। संसद में हंगामा हो जाता है लेकिन एक दल नहीं कहता शारदा घोटाले में लुटी जनता का पैसा वापस दिलाओ। ममता बनर्जी धरना देती है लेकिन घोटाले में लुटी बैठी जनता की गाढ़ी कमाई दिलाने का जिक्र तक नहीं करती। इसीलिए आज हम कह रहे हैं, घोटाले में लुटे माटी के मानुषों पर नहीं आई ममता, वोटर को गुमराह करने वाले चुनावी स्टंट की घंटी बजाओ। मां माटी मानुष, यही नारा है ना, यही नारा देकर ममता बनर्जी राजनीति करती है। लेकिन क्यों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को माटी के मानुषों के लुटे हुए पैसे की जगह सिर्फ वोट और वोटरों की चिंता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और अब 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है ममता बनर्जी धरने पर है। इसीलिए क्योंकि आम आदमी का पैसा लेकर लूटने वाले शारदा घोटाले में सीबीआई ने कोलकाता के कमिश्नर से पूछताछ करनी चाहिए।
कोलकाता के वो कमिश्नर जिन पर शारदा घोटाले के अहम सबूत छिपाने का आरोप है। तो एक आरोपी कमिश्नर को बचाना ज्यादा जरूरी है या मुद्दा होना चाहिए घोटाले में लुटी जनता का पैसा वापस दिलाना? लेकिन दुख होता है, बहुत दुख होता है कि आज की राजनीति में यह मुद्दा कहीं है ही नहीं। तो क्या 2019 के चुनाव में वोट डालने वाले मतदाता को भ्रम के भंवर जाल में घुमाने का चुनावी स्टंट खेलने वाली राजनीति हो रही है? ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा और जोरदार घंटी बजाइएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना दे रही हैं। धरने वाले मंच पर भारत बचाओ का बोर्ड टांगा जा रहा है। सहयोगी ममता को कहते हैं, पीछे आ जाइए दीदी, कहीं भारत बचाओ का बोर्ड गिरना पड़े आप पर। तो क्या भारत खतरे में है? ममता बनर्जी के मंच पर लगे बैनर को देखिए, लिखा है संविधान बचाओ, संघीय ढांचा बचाओ, इंडियन पुलिस फोर्स बचाओ, भारत की प्रशासनिक सेवा बचाओ, सिविल सर्विस के हर रैंक के अफसर को बचाओ। लेकिन धरना देती ममता बनर्जी के मंच पर कहीं नहीं लिखा घोटाले में लुटे लोगों को बचाओ। इस बैनर में कहीं नहीं लिखा है शारदा घोटाले के पीड़ितों का पैसा दिलाओ। इस बोर्ड पर कहीं नहीं लिखा है घोटाले में डूबने वाली आम जनता को बचाओ। यानी ममता बनर्जी के धरने में शारदा घोटाले की पीड़ित जनता मुद्दा ही नहीं है। वो जनता जिसने पश्चिम बंगाल में अपनी गाढ़ी कमाई एक ऐसी कंपनी में लगाकर डुबा दी जिसमें दावा है सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के नेता जुड़े हुए थे। देख के आप लोगों ने कंपनी में पैसा दिया था, तृणमूल को देखकर किया था, कुणाल घोष को देखकर किया था, मदन मित्र को देखकर किया था, मुकुल राय को देखा था। लेकिन जिन ममता बनर्जी को आज भारत बचाओ संविधान बचाओ के नाम पर जनता की याद नहीं, उन्हें आज जनता की याद एबीपी न्यूज दिलाएगा। जहां ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी हैं, वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर कोलकाता के लेक टाउन इलाके की बस्ती है, वो बस्ती जहां के हर घर के एक दो गरीब की मेहनत की कमाई शारदा घोटाले में डूब गई। 2013-14 में एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश सिन्हा जब कोलकाता के लेक टाउन इलाके में पहुंचे थे तो देखा था उन आंखों को जिनमें गाढ़ी कमाई की पाई पाई शारदा घोटाले में खत्म हो जाने का दर्द समाया है। 20-20 रुपया करके महीना 600 रुपया अपना बेटी के शादी खाती हम लोग रखा, हम जो रखा अपना बुढ़ापा खाती, किला से भीख मांगेंगे नहीं, ये पैसा हम खाएंगे अपना आराम खाती, हमारा लड़का रखा शादी खाती, आज तलक सरा नहीं है कि मिलेगा पैसा हम लोग। 2013 में जब शारदा घोटाले का खुलासा हुआ था तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही थी। पता चला था 17 लाख से ज्यादा आम गरीब लोगों का 2,500 करोड़ रुपए चिट फंड के नाम पर लेकर शारदा घोटाला हुआ है। अब शारदा घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की भूमिका की जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम और पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार रात से धरने पर बैठी हैं। इसलिए आज सीधा सवाल हमारा ये है कि मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा चिटफंड घोटाले में लूटे गए पैसा होना चाहिए या फिर 2019 में लोकसभा में वोट डालने वाले वोटर को गुमराह करने वाला स्टंट? स्टंट ही कहेंगे इसे, क्यों कहेंगे? अगर आपको रत्ती भर भी लगे कि गाते बजाते हो रहे धरने को स्टंट क्यों कहेंगे, तो घोटाले में अपना पैसा गंवाने वाले आम आदमी का दर्द जरा याद करिएगा। आप लोग नमस्कार दादाजी, अब इस सवाल का जवाब सोचिए, क्या 8 साल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी घोटाले में पैसा गंवाने वाले आम आदमी के लिए धरने पर बैठी? क्या 6 साल में घोटाले की जांच को लेकर कभी ममता बनर्जी ने धरना दिया? क्या जनता के सपने पर हुए घोटाले का पैसा दिलाने के लिए कभी
ममता बनर्जी ने धरना दिया, और अगर आपको ये लगे कि ममता बनर्जी का धरना देश बचाने के लिए है तो बहुत गौर से ममता बनर्जी के सांसद डेरेक ओब्रायन का जवाब सुन लीजिए। एंड गेम है मोदी और अमित शाह का बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ 2-3 महीना में हटाना है, क्योंकि देश बचाना है, संविधान बचाना है, और हमारा जो सेंट्रल स्टेट फेडरल जो स्ट्रक्चर है, जो राज्य के एक इंडिपेंडेंस है, ये तीन चीज बचाना है। और ये जो भी करना है हम लोग एक साथ इकट्ठा मिलकर करेंगे, ये फोकस है। यानी माँ माटी और मानुष की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी के फोकस में ये माँ, ये माटी और ये माटी की मानुष तो है ही नहीं, जिसने रोज 20-20 रुपए बचाकर कुछ सपनों को पूरा करने के लिए शारदा में पैसे लगाए और सब पैसे का घोटाला हो गया। ये हम भी रखते थे शारदा बैंक में पैसा, हम भी 20 रुपया रोज रखते थे, 6 रुपया महीना, इसलिए कि मेरी लड़की 5 वर्ष की होगी तो उसको हम अच्छे स्कूल में देंगे, तो इसका पहले ही मेरा सारा पैसा चला गया तो उसको अच्छा स्कूल में क्या देंगे। दो लड़की उसको शादी के लिए भी हम सोच रहे थे, उसका नाम फिक्स किया था, 6 रुपया महीना रख रहे थे। संविधान बचाने के नाम पर हो रहे दीदी के धरने में अब चारा घोटाले में जेल में बंद दोषी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, लेकिन इन नेताओं के पास क्या इस बात का जवाब है? आज ममता बनर्जी के धरने में समर्थन देने वाले देश के अलग अलग दलों के नेता शारदा घोटाले में पैसे गवाने वाली जनता का पैसा दिलाने की बात क्यों नहीं करते? राहुल गांधी जी हो, अखिलेश भैया हो, या बहन मायावती जी, या स्टालिन जी, ना देवेगौड़ा जी, ना कुमारस्वामी जी, या आपका लालू जी, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, हार्दिक पटेल, सब 22 कम से कम 20-22 फोन किया, ट्वीट किया, और क्या बोला ममता दी को? बोला उन लोगों ने बोला जे ममता दी, मैं आपके साथ हूँ। सुनिए, देखिए और पूछिए सवाल, क्या ममता बनर्जी के समर्थन में 20-22 दल सिर्फ 2019 के चुनाव को देखकर मोदी विरोध की राजनीति को देश बचाओ का तमगा देकर आ रहे हैं? 2,500 करोड़ के शारदा चिटफंड घोटाले में अब तक जनता को 80% पैसा वापस नहीं मिला है, तो ममता के समर्थन में आने वाले 22 दल जनता का पैसा दिलाने का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? क्यों उन संदिग्ध अधिकारी का बचाव हो रहा है जो जनता का पैसा घोटालेबाजों से दिलाने में नाकाम रहे? हम फिर कह रहे हैं कोलकाता के जिन कमिश्नर राजीव कुमार की भूमिका संदिग्ध है, जिनसे पूछताछ करने सीबीआई की टीम गई तो इसे देश के लिए खतरा ममता बनर्जी ने बना दिया, उन्हें 4 बार समन दिया गया था। आरोप है कि जांच के दौरान राजीव कुमार ने कई सबूत छिपा लिए हैं। ऐसे में संदिग्ध अधिकारी को बचाना ज्यादा जरूरी है या फिर जनता का पैसा लौटाना? इंसानियत के इंसाफ के लिए कोई कामयाबी होते हैं। ममता बनर्जी का मतलब क्या सिर्फ वोट देने वालों की इंसानियत है? ये रतन दत्ता है, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रहते हैं, 3,000 रुपए महीने पर एक दुकान में काम करते हैं, परिवार में पत्नी है, बेटा है। शारदा में पैसे लगाकर सोचा था रतन दत्ता ने कि खुद की दुकान खरीदने का सपना पूरा होगा, लेकिन रतन दत्ता के सपने पर शारदा घोटाला हुआ और अब कहते हैं कि सियासत घोटाला कर रही है। जम जाता ₹2-4 लाख जम जाता था ना, वो पैसा से हम थोड़ा कुछ खरीद लेता था, दुकान खरीद लेके दुकान करता था, वो नहीं हुआ, पैसा पूरा पैसा चौपट हो गया हमारा, एक पैसा नहीं मिला। तो राजनीति होगा, थोड़ी पैसा मिलेगा, ऐसा पैसा तो नहीं मिलेगा, इतना साल हो गया तो पैसा नहीं मिला, अभी थोड़ी मिलेगा। ममता बनर्जी के धरने में, ममता बनर्जी के भाषणों में, कहीं भी घोटाले में पैसा गंवाने वाले रतन दत्ता जैसे आम लोगों की बात और मुद्दा नहीं है, और राजनीति का दोहरा चरित्र देख लीजिए। राहुल जी, राहुल जी, कैसे देखते हैं बंगाल में जो कुछ हो रहा है? मैंने कल भैया बता दिया, ट्वीट कर दिया। अच्छा, राहुल जी, राहुल जी, कैसे देखते हैं बंगाल में जो कुछ हो रहा है? मैंने कल भैया बता दिया, ट्वीट कर दिया। अच्छा, ये राहुल गांधी का ट्वीट है जो इन्होंने रविवार रात किया। लिखा था, ममता दीदी से बात हुई है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और अब सुनिए जरा, कंधे से कंधा मिलाने की बात करने वाले राहुल गांधी तब क्या कहते थे जब पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में वो खुद वोट मांगने जाते थे? वेस्ट बंगाल में बड़े से बड़े स्कैम चल रहे हैं,
शारदा का स्कैम चला है, इसके बारे में आप सब जानते हो, जानते हो ना शारदा स्कैम के बारे में? चिटफंड का स्कैम है, दो साल से यहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर रही है, 20 लाख लोगों का नुकसान हुआ है। सेबी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि भैया कार्रवाई लीजिए, और यहाँ की जो सरकार है, ममता जी की सरकार है, जो अपने आप को गरीबों की सरकार कहलाती है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई एक्शन नहीं ले रही, उन लोगों को बचा रही। तो अब ममता दीदी के समर्थन में उतरने की राहुल गांधी की मजबूरी क्या मोदी विरोध की राजनीति बन गई, जिसके लिए चुनावी स्टंट खेला जा रहा है कोलकाता से लेकर संसद तक? डराने के लिए, धमकर के लिए, ऐसा कभी सिचुएशन नहीं था। सीबीआई का तो दो डायरेक्टर चला गया, और अभी व्हाई इज दी सीबीआई बीइंग यूज्ड? ये सरकार सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है, और अपोजिशन पार्टियों को खत्म करके एथिक से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ सीबीआई, उन्हीं के खिलाफ ईडी, उन्हीं के खिलाफ इनकम टैक्स। संसद तो हंगामे के बीच ठप हो गई, लेकिन ममता बनर्जी के धरने के नाम पर हो रही राजनीति के बीच एक दल ने यह मुद्दा नहीं उठाया कि क्यों नहीं शारदा घोटाले में डूबी जनता की रकम दिलाने पर हंगामा किया जाए? ऐसा होता क्यों है? क्यों जनता की चिंता नहीं होती? यह हमने पूछा राजनीतिक विश्लेषक देवाशीष घोष से। जो सेंटर पर्टिकुलर या हमारा जो केंद्रीय जो वो है, मंत्रिमंडल है, और जो राज्य राज्य का है पश्चिम बंगाल का, ये दोनों ही पॉलिटिक्स कर रहा है। कोई भी उद्देश्य नहीं है जे गरीब लोगों को व साधारण जनसाधारण को बचाए ये चीट फंड का हाथ से, क्योंकि इन लोग पॉलिटिकल चंदा लेते हैं। ये इसमें बीजेपी, इसमें तृणमूल, इसमें कांग्रेस, सारे एक ही है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, चाहिए कि अब तक शारदा घोटाले में डूबी जनता की रकम वापस आम आदमी को क्यों नहीं मिली, लेकिन जनता के पैसे को वापस दिलाने की जगह अपनी अपनी सियासत के हिसाब से पार्टियां खेल खेल रही हैं। धरना देना है तो जनता का घोटाले में डूबा पैसा वापस दिलाने के लिए धरना देना चाहिए, लेकिन बहस हो रही है सीबीआई ने अभी छापेमारी क्यों की। इस तरह की सियासत से मतदाता को भ्रमित करने की कोशिश राजनीतिक दल करते हैं, जिससे असली नुकसान होता है देश की जनता का, उस जनता का नुकसान होता है जिसे संविधान ने भी संप्रभु माना है। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।